बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। BG 10 बहुत इम्पोर्टेंट। आज हम टेंसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ज़रा तेज़ चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। अच्छा, मैं पहले बता रहा हूँ, स्टार्ट करने से पहले टेंसेस पढ़ाने का जो मेरा सीक्वेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। असल में हमारे यहाँ सीक्वेंस क्या होता है, एक सीक्वेंस ये है, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। दूसरा सीक्वेंस ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मेरा तरीक़ाकार इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरा सीक्वेंस नोट कर लीजिए, फिर मैं इस सीक्वेंस से पढ़ाना शुरू करूँगा। नंबर वन, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, इसके बाद मैं करवाऊँगा पास्ट इंडेफिनिट, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट। अजीब बात है ना, देखते जाइए। अभी आप खुद ही कहेंगे, जब टेंसेस पढ़ते जाएंगे तो कहेंगे सर रियल सीक्वेंस तो ये है जिनसे टेंसेस बने हैं। देखिए, किताब लिखने का तरीका कुछ और होता है, किताब पढ़ने का तरीका कुछ और होता है। मसलन केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स की किताब मैंने देख रहा था, फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, सेकेंड चैप्टर केमिकल रिएक्शंस, कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। डायरेक्ट फर्स्ट के बाद फोर्थ चैप्टर पर जाएंगे, न्यूक्लियर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। पहले बच्चे को एटम का स्ट्रक्चर बताया जाएगा, एटम इस शक्ल का होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, प्रोटॉन यहाँ, न्यूट्रॉन यहाँ, किस किस एलिमेंट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने कितने प्रोटॉन्स। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर उसकी समझ में आ जाएगा, जहन में तस्वीर बनने लगेगी एटम की, फिर उसे चैप्टर 5 केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है दूसरे शेल में, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। जब ये सीख जाएगा तो फिर आएंगे चैप्टर 2 पे वापस, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। क्योंकि उस वक्त रिएक्शन की तमीज़ बच्चे को आ जाएगी कि एटम किस शक्ल के हैं, किस तरह मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है या कंबाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिएक्शन उसकी समझ में आएगा। तो किताब लिखी हुई है किस तरतीब में और पढ़ी जा रही है किस तरतीब में, ये सलीका हमें आना चाहिए, और हम मुसलमानों को तो लाजमी आना चाहिए। आप देखें, हम जब कुरान पढ़ते हैं, कुरान लिखा हुआ किस तरतीब में है, पहले सूरह बकरा है, मगर आप पहला पारा बच्चे को पहले नहीं पढ़ाते, 30वां पारा पढ़ाते हैं, आखिरी पारा, उल्टे पीछे जाते हैं। और 30वां पारा भी अम्मा या तसालून से शुरू नहीं करते, हालांकि शुरू वहीं से हो रहा है, उल्टा शुरू करते हैं सूरह नास से, और सूरह नास से भी शुरू नहीं करते, पहले सूरह अलहम शरीफ लेकर आते हैं, वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सूरह नास, और फिर उल्टा पारा चल रहा होता है। जब ये एंड हो जाता है तो फिर वापस लेके जाते हैं पहले पारे पर, सूरह बकरा पर, है ना। तो किताब लिखी हुई किताब का सीक्वेंस कुछ और होता है, किताब को पढ़ने का और पढ़ाने का सीक्वेंस कुछ और होता है, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ी और पढ़ाई जाती है समझने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम टेंसेस को भी पढ़ने का सीक्वेंस कुछ और, लिखने का सीक्वेंस था वो जो आपने पढ़ा ना, जिससे पास्ट परफेक्ट के बाद हम आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद हम पास्ट कंटिन्यूस पर आएंगे यकीनन, और पास्ट कंटिन्यूस के बाद कहाँ जाना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट पर। आप फिर हैरान हो जाएंगे, मैं भी जस्टिफाई भी करूँगा इसको। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद हम चले जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पर, और इसके बाद हम आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए, 8 टेंसेज आपके हो गए, अब रह गए फ्यूचर के 4।
फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, वो चारों आखिर में पहले ही है। ये सीक्वेंस क्यों भाई? देखो पहले ये पढ़ा हमने, इसका पास्ट ये और इसका भी पास्ट ये, तो एक सीक्वेंस में क्यों ना पढ़े? प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, इसका पास्ट ये, और बिलीव मी पास्ट कंटिन्यूस के बगैर पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बन नहीं सकता। पास्ट कंटिन्यूस के बगैर पास्ट परफेक्ट का कोई सेंस ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वजूद ही नहीं होगा। पास्ट कंटिन्यूस में से निकालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को, मैं निकाल के दिखाऊंगा। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लेंगे तो फिर आप मुझे बताइए, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया, इन्हीं को तो कंबाइन करेंगे तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इसका पास्ट ये होता है। तो ये सब एक दूसरे में से निकल रहे हैं। तो अगर इस तरतीब से पढ़ेंगे तो हम टेंसेस कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है इसमें से ये इस तरह निकलेगा, इसमें से ये इस तरह निकलेगा, इसमें से ये इस तरह निकलेगा। खैर यह हैरत अंगेज बात है, लेकिन अब मैं जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो आप खुद मानेंगे इस बात को इंशाल्लाह ताला। मैं ये मिटा रहा हूँ और अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है, डिफाइन कीजिए पहले। सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, मैं गलती से प्रेजेंट कंटिन्यूस कह गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है पहले डिफाइन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चार कॉन्सेप्ट हैं इंशाल्लाह, चारों करेंगे, दो एक लेक्चर में और फिर दो एक लेक्चर में। BG 10 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, BG 11 भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर BG 12 में हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे। देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भाई स्ट्रक्चर क्या बनेगा। इनडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है सेकेंड फॉर्म, यहाँ टाइम प्रेजेंट है तो सेकेंड फॉर्म आ ही नहीं सकती, फर्स्ट फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब जो भी हो, मेनली ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। अब वाई नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, वाई नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आता भाई इसमें? इस सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। देखिए भाई हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आ रहा इसको समझिएगा, बिकॉज द लिमिट्स ऑफ प्रेजेंट टाइम आर नॉट डेफिनेट। जिस टाइम को हम प्रेजेंट कहते हैं उसकी लिमिट्स यहाँ पर डेफिनेट नहीं है, यानी कि इनडेफिनिट है। भाई ये क्या बात हुई, ये तो आपने ऐसी लफाजी कर दी, अभी समझाता हूँ, ठहरते जाओ देखते जाओ। ये टाइम है, टाइम लाइन को समझ लीजिए, मैं हर डेफिनेट और इनडेफिनिट सिचुएशन को टाइम लाइन के ऊपर लेकर आऊँगा। टाइम है, फ्यूचर की तरफ मूव कर रहा है, going towards future as ever. Here we are present right now. अब जरा खुद देख लीजिए, यहां पर हम present हैं इसलिए हमारा present है, present उस time को कहते हैं जिसमें हम present हो, और ये future है जो अभी आया नहीं है, ये सारा का सारा क्या है past। अब notice कीजिएगा, एक sentence लिख रहा हूं, मैंने last time भी example दी थी इसकी। मैंने कहा I या और आसान कर दूं मैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब जरा देखिएगा, मैं यहां प्रेजेंट हूं और प्रेजेंट को देख रहा हूं, ये आंख बना दी मैंने ताकि प्रेजेंट देखते हुए नजर आए, ये समझ में आई आंख, मेरी आंख लगी हुई है प्रेजेंट पर, लेकिन द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस वक्त तो रात के 1 बज रहे हैं, द सन इज नॉट राइजिंग राइट नाउ। जिस टाइम को हम प्रेजेंट कहते हैं उस टाइम में तो सन राइज नहीं हो रहा। फिर ये जुमला प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो भाई मैं कहूँगा मैंने कल भी देखा था, परसों भी देखा था, उससे पहले भी देखा था, उससे पहले भी देखा था, उससे पहले सदियों पहले इंसान ने देखा था, सदियों
सालों से रोज देखा चला आ रहा है, ये एक्शन रोज होता है, तो यकीनन कल भी होगा, परसों भी होगा, अगले दिन भी होगा। ये एक्शन बार बार होगा, होता आया है, होता रहेगा। इस वक्त नहीं हो रहा, जिसको मैं प्रेजेंट कह रहा हूं उस टाइम में तो नहीं हो रहा। तो ये कैसा प्रेजेंट है जो प्रेजेंट में नहीं हो रहा? इसका मतलब यहाँ लिमिट्स ऑफ टाइम डेफिनेट नहीं है। और मुझे एक बात बताइए, मैंने बीजी 6 में मेंशन किया था हेल्पिंग वर्ब का पहला फंक्शन क्या है, एज प्राइमरी ऑक्सिलरी एस्पेक्ट ऑफ टाइम को शो करना। जब टाइम ही डेफिनेट नहीं है तो फिर हेल्पिंग वर्ब का वजूद कहाँ से होगा? नहीं आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब ये तो मैंने यहाँ एक रीज़न बता दिया, मगर अब एक सवाल दे रहा हूँ आपको, आप मुझे फंसाएं, मज़ा आएगा। सवाल क्या है? सवाल ये है कि सर जब नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्यों आ जाता है, क्या टाइम डेफिनेट हो जाता है? नहीं, टाइम डेफिनेट नहीं होता। उसका रीज़न भी बताऊँगा क्यों आता है, उसका रीज़न भी बताऊँगा मैं पहले से, क्योंकि बाद जहनों में ये सवाल आया होगा कि भाई ये तो आप सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में बात कर रहे हैं, अगर नेगेटिव बना दिया तो फिर द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, तो डज क्यों आया हेल्पिंग वर्ब? रीज़न बताऊँगा बेटा, अभी सबर से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस सवाल को महफूज रखिएगा, इसका जवाब मैं दूंगा। तो पहले तो हमने ये जवाब दिया है जनाब कि हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आ रहा। अब आइए इसका फंक्शन पढ़ते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के 4 फंक्शन हैं। पहला फंक्शन लिखवा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ उसको, ठीक है? पहला फंक्शन वो है जो हर एक वही पढ़ाता है, रिपीटेड एक्शंस, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ज़रा सी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसे मिटा रहा हूँ। देखिएगा, रिपीटेड एक्शंस हम कहते हैं, है ना? रिपीटेड एक्शंस का मतलब क्या है भाई? रिपीटेड एक्शंस, अगर मैं कहूं एन एक्शन विच टेक्स प्लेस एट अ सर्टन टाइम बट इज नॉट टेकिंग प्लेस राइट नाउ, राइट नाउ। एक लफ्ज और यहां ऐड करें, एन एक्शन विच टेक्स प्लेस रिपीटेडली, असल वर्ड ये है, रिपीटेडली एट अ सर्टन टाइम बट इज नॉट टेकिंग प्लेस राइट नाउ। ऐसा एक्शन जो रिपीटेडली एक वक्त पर होता तो है, इस वक्त नहीं हो रहा, तो फिर इसे कहेंगे रिपीटेड एक्शन। और इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं क्या चीजें, जरा गौर कीजिएगा। नंबर 1, यूनिवर्सल फैक्ट्स, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। नंबर 2, हैबिट, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, हैबिट। हॉबी, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे, हॉबी हैबिट भी हो सकती है। रूटीन है, शी गोज टू स्कूल बाय बस एवरी डे, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, ये रूटीन भी हो सकता है, ये हैबिट हॉबी भी हो सकती है। फीलिंग, वी लव पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान, फीलिंग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस वक्त मैं झंडा उठाए हुए नहीं हूं, लेकिन ये फीलिंग एट अ सर्टन टाइम मेरे अंदर होती है, ठीक है ना? तो वी रेस्पेक्ट आर एल्डर्स, इस वक्त यहाँ कोई एल्डर मौजूद नहीं है, आई एम नॉट डूइंग दिस एक्शन राइट नाउ, बट वेन एवर द एल्डर कम्स आई रेस्पेक्ट हिम, ठीक है ना? तो ये हैं रिपीटेड एक्शंस, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, टाइमलाइन मिटा रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने वैसे तो बता दी, एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूँ। द सन
राइजेज इन द ईस्ट, या मैं कहूं आई स्पीक द ट्रूथ, शी प्लांट्स अ ट्री इन द गार्डन, दे प्ले फुटबॉल, शी गोज टू स्कूल डेली, वी लव पाकिस्तान, वी लव पाक आर्मी, दे रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स. दीज ऑल आर द रिपीटेड एक्शंस. दे हैपन, दे टेक प्लेस एट अ सर्टन टाइम, बट दे आर नॉट गोइंग ऑन राइट नाउ. दे आर रिपीटेड एक्शंस. BG 10 में हमने रिपीटेड एक्शंस को डिस्कस किया. अब BG 11 में मैं ये डिस्कस करूँगा कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्यों आ जाता है, क्या सिचुएशन डेफिनेट हो जाती है? जी नहीं, सिचुएशन इनडेफिनेट ही रहती है, हेल्पिंग वर्ब का रीज़न कुछ और है. और फिर इसका सेकेंड फंक्शन जो मैं अभी से नाम लेके जा रहा हूँ, रिपीटेड एक्शंस के बाद हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्शंस, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे करंट इन्फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद हम आएंगे स्टेट ऑफ बीइंग की तरफ. चारों फंक्शंस करने के बाद सिंपल पास्ट पर आएंगे. सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया. शाद रहें, आबाद रहें.